गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल? माय बीकॉम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट एंड आई होप यू आर डूइंग वेल. एंड माय टोटल कंसर्न इज फॉर यू गाइस, ऑलवेज यू डोंट मूव आउट फ्रॉम योर हाउस, ठीक है, विदाउट एनी रीजन. ठीक है, यू शुड स्टे एट होम, स्टे हेल्दी. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई गिव माय शॉर्ट इंट्रोडक्शन. आई एम सी एस नुपुर अरोरा, बिलोंग्स टू एस डी सी सी, असिस्टेंट प्रोफेसर इन एस डी सी सी. ठीक है, नाउ वी विल स्टार्ट अवर क्लास. ठीक है, एंड नाउ आई विल गिव द क्या आपका शॉर्ट रिव्यू. ठीक है, मतलब रिलेटेड टू द क्या आपका लास्ट क्लासेस. ठीक है, हमने ठीक है, वी ऑलरेडी डिस्कस इन द लास्ट क्लासेस व्हाट इसकी व्हाट इज द क्या आपका इकोनॉमिक्स, द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, एंड द क्या आपका व्हाई वी डू नीड द क्या आपका स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स एंड द सोर्स ऑफ क्या आपका इकोनॉमिक स्टडी. ठीक है, लॉट्स ऑफ थिंग वी ऑलरेडी डिस्कस इन द क्या आपका लास्ट क्लासेस. ठीक है, नाउ वी शुड डिस्कस व्हाट इज क्या आपका इकोनॉमिक्स. ठीक है, एंड इकोनॉमिक्स इज अ साइंस एंड आर्ट. वेरी गुड क्वेश्चन कि दैट इकोनॉमिक्स इज अ साइंस एंड आर्ट, बिकॉज सम टाइम वी फील कि मतलब इफ वी स्टडी द क्या आपका इकोनॉमिक्स तो अल्टीमेटली कि व्हेन वी स्टडी द क्या आपका इकोनॉमिक्स तो अल्टीमेटली वी शुड थिंक कि यार ये जो इकोनॉमिक्स है ये साइंस के अंदर कवर होता है या आर्ट के अंदर कवर होता है. बट आई ऑलवेज गिव द क्या आपका वन आंसर. ठीक है, ऑन दिस क्वेश्चन कि इकोनॉमिक्स नीदर साइंस नॉर एन आर्ट. अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैम स्लाइड पर लिखा हुआ इकोनॉमिक्स इज अ साइंस एंड आर्ट. ठीक है, तो अगर मैं आपको बोलूं किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर मैं आपको प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो इकोनॉमिक्स इज ऑलवेज क्या आपका साइंस. ठीक है, इकोनॉमिक्स हमेशा क्या होता है आपका साइंस होता है. ठीक है, कैसे? क्योंकि साइंस इज क्या आपका सिस्टमाइज नॉलेज ऑफ सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ द क्या आपका सब्जेक्ट. आ रही मेरी बात समझ में? किसी भी चीज को अगर हमें सिस्टमेटिक तरीके से लेकर चलना है तो वो साइंस होता है. आ रही मेरी बात समझ में? तो अल्टीमेटली इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो क्या आपका, हर चीज को हम सिस्टमेटिक तरीके से लेकर चले तो वो भी इकोनॉमिक्स के अंदर आता है. तो हम इस तरह से क्या कह सकते हैं आपका कि इकोनॉमिक्स क्या है, आपका साइंस है. बट अगर हम बात करें कि इकोनॉमिक्स एब्सोल्यूट साइंस है तो इकोनॉमिक्स इज नॉट क्या आपका एब्सोल्यूट साइंस. इकोनॉमिक्स क्या नहीं है? एब्सोल्यूट साइंस नहीं है, क्योंकि बेसिकली इकोनॉमिक्स में हम जो स्टडी करते हैं वो ह्यूमन बीइंग जो होता है उसके बिहेवियर की क्या करते हैं, स्टडी करते हैं. और कभी भी आप ह्यूमन बीइंग के जो क्या है बिहेवियर है उसको आप कभी भी पूरी तरीके से जज नहीं कर सकते हैं. ह्यूमन के बिहेवियर को आप पूरी तरीके से जज नहीं कर सकते हैं. क्लियर हो गया? और जो साइंस है वो बेसिकली नेचर के बारे में बात करता है, लाइफ के बारे में बात करता है. तो अल्टीमेटली नेचर में हर चीज का अपना एक क्या है फॉर्मूला है, अपना एक क्या है मेजरमेंट है, हर मिक्सचर है. तो अल्टीमेटली साइंस पूरी तरह से एब्सोल्यूट साइंस है. बट इकोनॉमिक्स क्या नहीं है? एब्सोल्यूट साइंस नहीं है, क्योंकि वो किसकी स्टडी करता है? वो ह्यूमन के बिहेवियर की स्टडी करता है. अब हम बात करते हैं कि क्या कहते हैं आर्ट. तो यस, इकोनॉमिक्स इज एन आर्ट. बिल्कुल, वो इसलिए आर्ट है क्योंकि बेसिकली जो हम डिसिप्लिन की बात करते हैं वो इकोनॉमिक्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. क्योंकि कुछ भी करने से पहले सबसे पहले हम लोगों को ये सोचना पड़ता है कि क्या ये चीज का जो इफेक्ट है उसका ये कॉज रहा था. आ रही मेरी बात समझ में? तो अल्टीमेटली किसी भी काम को करने का जो एक सही तरीका होता है वो क्या होता है? आर्ट होता है. तो वही बात कि एब्सोल्यूट आर्ट भी नहीं है, क्योंकि इकोनॉमिक कोई आर्टिस्ट से बिलोंग नहीं करती है. इकोनॉमिक्स तो कोई भी क्या कर सकता है, पढ़ सकता है जो उसकी नॉलेज लेता है. तो इकोनॉमिक्स इज अ साइंस, अ सब्जेक्ट इज कंसीडर्ड साइंस इफ इट इज अ सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज. वी स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट. इट इज कैपेबल ऑफ मेजरमेंट. इट हैज इट्स ऑन मेथोलॉजिकल अपार्टस. ठीक है, इट शुड हैव द एबिलिटी टू फोकास्ट. ठीक है, वहीं पर इकोनॉमिक्स इज एन आर्ट. ठीक है, डिसिप्लिन ऑफ स्टडीज टर्म्ड एज आर्ट. इट टेल्स अस हाउ टू डू अ थिंग दैट इज टू बी अचीवमेंट. बिल्कुल सीधी, किसी भी काम को करने का जो सही तरीका होता है जिससे अल्टीमेटली हम अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाए उसे आर्ट बोलते हैं. इट इज नॉट वर्थ इट दैट फाइनल जस्टिफिकेशन फॉर स्टडिंग इकोनॉमिक्स लाइज इन द पॉसिबिलिटी ऑफ अवर एबिलिटी टू यूज इट फॉर द सॉल्विंग इकोनॉमिक प्रॉब्लम फेस बाय प्रोफेसर जे एम केना. सेज दैट एन आर्ट इज अ सिस्टम ऑफ रूल्स फॉर द अचीवमेंट ऑफ गिवन एंड. बिल्कुल सही बात है. हम कहते हैं कि वो बंदा आर्टिस्ट है जो अल्टीमेटली क्या करता है, किसी भी चीज को इस तरीके से करता है कि वो जो चीज कर रहा है उसको वो प्रॉपर तरीके से अचीव कर ले. तो अल्टीमेटली मैं यही कहना चाहूंगी कि इकोनॉमिक्स इज अ साइंस बट नॉट एब्सोल्यूट साइंस, एंड इकोनॉमिक्स इज एन आर्ट. ठीक है, बट नॉट एब्सोल्यूट आर्ट. ठीक है ना? इसके बाद वी शुड मूव ओवर क्या आपका नेक्स्ट स्लाइड. चलिए, चलिए खैर,
अब बात करते हैं कि इसकी द अप्रोचेस. यस डेफिनेटली वी शुड डेफिनेटली नोज एवरीथिंग अबाउट द कैपका इकोनॉमिक्स. तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द कैपका इकोनॉमिक्स इज पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव अप्रोच. यस अब नाउ यू शुड थिंक, मतलब यू आर थिंकिंग कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव अप्रोच. तो मैं आपको एक इजिली टर्म में बताऊंगी पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव अप्रोच. पॉजिटिव अप्रोच इज व्हाट? देखिए सीधी सी बात है, व्हेन वी आर डूइंग द कैपका एनालिसिस इन द कैपका इकोनॉमिक्स, ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी ऑलवेज कंसीडर द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. बिल्कुल कंसीडर द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल इफ अवर पॉपुलेशन, इफ द पॉपुलेशन ऑफ अवर कंट्री इज 137 करोड़, ठीक है, तो डेफिनेटली द मिल्क नीड, ठीक है, ठीक है, मिल्क नीड इज इंपॉर्टेंट फॉर एवरी पर्सन, ईच एंड एवरी पर्सन who exist in the capka on the capka planet, definitely that person need the capka milk. aadmi ke liye doodh zaruri hai, aadmi ko usse protein milta hai, sab cheeze. to ultimately the positive science always said ki if the capka population is 137 crore to definitely each and every person need the capka milk. but wahi par hi normative approach is said. Normative approach said no, there is no need to capka arrange the capka milk for the capka 137 crore people. वो इसीलिए ही, क्योंकि ultimately you don't know exactly कि you fulfill the need of the capka milk for every person, but every person want to capka take the capka milk doesn't, क्योंकि doesn't mean कि if क्या कहते पर्सन सर्वाइव इन द प्लैनेट या एग्जिस्ट ऑन द प्लैनेट तो दैट पर्सन ओनली यूज द कैप का देयर मनी, ठीक है, टू परचेज द कैप का, बाय द कैप का मिल्क. नो समटाइम सम बट सम पीपल, ठीक है, यूज देयर मनी, ठीक है, बाइंग द मिल्क. समबडी सम पर्सन यूज देयर मनी बाइंग द ब्रेड इन कंपेयर टू मिल्क. सम पर्सन यूज देयर मनी, ठीक है, फॉर बाइंग द क्या आपका गन्स रादर द क्या आपका ब्रेड और मिल्क. आ रही है मेरी बात समझ में? एंड सम पर्सन, ठीक है, बाइंग यूज देयर मनी फॉर बाइंग द क्या आपका अदर थिंग्स, ठीक है. तो यू डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट इज द क्या आपका नीड ऑफ द क्या आपका क्या कहते हैं पर्सन. तो एग्जैक्टली इट डिपेंड्स ऑन द क्या आपका पॉजिटिव अप्रोच ऑलवेज सेट कि नहीं कि इतने लोग हैं तो इतने लोगों के लिए इतना तो चाहिए चाहिए, ठीक है. नॉर्मेटिव अप्रोच ये कहता है कि हु डिमांडेड द कैप का थिंग, तो यू फुलफिल द कैप का नीड, हु डिमांडेड द कैप का थिंग. आ रही मेरी बात समझ में? कि आपको केवल उन लोगों के लिए अरेंज करना है जो उसकी डिमांड करते हैं. आ रही मेरी बात समझ में? मतलब पॉजिटिव अप्रोच बोलता है सबके लिए एक सा, उसके नेगेटिव पॉइंट को एक तरफ रखते हुए नॉर्मेटिव अप्रोच सोचता है कि मुझे उसी के लिए ही करना है जो उसके लिए बोलेगा. मतलब नॉर्मेटिव अप्रोच हमेशा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को कंसीडर करता है एंड पॉजिटिव अप्रोच हमेशा थ्योरेटिकल एस्पेक्ट. तो वो ये पॉजिटिव और प्योर साइंस एनालाइज कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल बट इट डज नॉट पास वैल्यू जजमेंट इन द वर्ड स्टेट व्हाट इज एंड नॉट व्हाट ऑट टू बी. यस क्या है और क्या हो सकता है. पॉजिटिव स्टेटमेंट आर अबाउट फैक्ट्स. बिल्कुल जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इफ द क्या आपका पॉपुलेशन ऑफ अवर कंट्री इज 137 करोड़, तो डेफिनेटली ठीक है वी आर क्या आपका अरेंज द क्या आपका थिंग्स द क्या आपका वीट सेरल्स, ठीक है, आपका पल्सेस, ठीक है, फॉर द कैप ऑफ 137 करोड़. बट द क्या आपका नॉर्मेटिव अप्रोच इज ऑलवेज, ठीक है, कंसीडर्ड वन थिंग, व्हाट ऑट टू बी, मतलब कि हमें प्रयास उन लोगों के लिए करना है जो उस चीज की इच्छा रखते हैं. तो अकॉर्डिंग टू रॉबिन्सन इकोनॉमिक्स इज कंसर्न ओनली विद द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक डिसीजन ऑफ इंडिविजुअल्स एंड द सोसाइटी एज अ पॉजिटिव फैक्ट बट नॉट द क्या आपका एथिक्स ऑफ दिस डिसीजन. इकोनॉमिक्स शुड बी न्यूट्रल बिटवीन एंड्स. बिल्कुल इकोनॉमिक्स तो क्या है, न्यूट्रल है. न्यूट्रल मतलब आपकी पक्षपात नहीं करती है कि अगर क्या कहते हैं कोई भी बंदा मुझसे आकर या क्या कहते हैं इकोनॉमी के अंदर मतलब ये चीज की डिमांड करता है तो उसकी पूरी की जाएगी, बट जो नहीं डिमांड कर रहा है उसकी क्यों की जाएगी. इट इज नॉट फॉर इकोनॉमिक्स टू पास वैल्यू जजमेंट मेक प्रोनाउंसमेंट ऑन द गुडनेस, ठीक है, और अदरवाइज ऑफ ह्यूमन डिसीजन. इंडिविजुअल विद लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी मे यूज इट फॉर बाइंग लिकर नॉट मिल्क बट दैट इज एंटायरली क्योंकि अल्टीमेटली जो उसका बिजनेस है उससे आप मूव ऑन नहीं कर सकते हो. एंड कम्युनिटी में यूज इट्स लिमिटेड रिसोर्सेज फॉर द मेकिंग गन्स रादर देन द बटर बट इट्स नो कंसर्न ऑफ द इकोनॉमिक्स टू कंडेम और द अप्रिशिएट द पॉलिसी. इकोनॉमिक्स ओनली स्टडी फैक्ट्स एंड मेक जनरलाइजेशन फ्रॉम देम.
It is a pure and positive science which excludes from its scope the normative aspect of human behavior. ठीक है, तो बेसिकली मेरे बच्चों आपको क्या समझ में आता है कि पॉजिटिव अप्रोच ऑलवेज सेट की जितने भी लोग हैं उनके लिए हमें क्या देखना है, हमें अपनी तरफ से अरेंज करना है. बट नॉर्मेटिव अप्रोच इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द क्या आपका पॉजिटिव अप्रोच, बिकॉज ऑफ नॉर्मेटिव अप्रोच ऑलवेज सेट कि जो बंदा उसकी डिमांड करता है हमें उसी की डिमांड को पूरा करना है. ठीक है, और इसके साथ ही हम अपनी इस वाली क्लास को ओवर करते हैं. ठीक है, एंड वी शुड डिस्कस द क्या आपका थिंग्स, ठीक है, इन द क्या आपका नेक्स्ट क्लास. ओके, बाय गाइस, टेक केयर.